वेलकम टू कारलैंड आज हम रिव्यू कर रहे हैं 2021 जीप कंपस फेसलिफ्ट का जीप कंपस फेसलिफ्ट की प्राइसिंग है 16.99 पॉइंट नाइन लैक्स से ट्वेंटी एट पॉइंट के बीच में और ये पाँच मेरियट्स में अवेलेबल है स्पोर्ट लॉन्चिट्यूड ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शन लिमिटेड एटी एट एनिवर्सरी एडिशन और मॉडल इस वेरियंट जी कम्पस टू इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है डी एस सिक्स वन पॉइंट फोर लीटर मल्टीयर पेट्रोल इंजन विद वन सिक्सटी थ्री बच पी एंड टू फिफ्टी न्यूटन मीटर टॉर्क टू अ सिक्स स्पीड मैनुअल और सेवन स्पीड डी सी टी ऑटो गेयरबॉक्स दूसरा है बी एस सिक्स टू लीटर मल्टीजेट टू डीज़ल इंजन विद 170 सेवेंटी बी एच पी एंड थ्री फिफ्टी न्यूटन मीटर टॉर्क मीटिटवर स्पीड मैनुअल और नाइन स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डीजल वेरियंट में आपको फोर बाई फोर का भी ऑप्शन मिलता है आज हम लिमिटेड ऑप्शन डीजल फोर बाई टू वेरियंट का रिव्यू कर रहे हैं कंपस सात कलर्स में अवेलेबल है ग्रीन वाइट ब्लू ब्लैक ग्रे सिल्वर और रेड कंपस कम्पीट करती है स्कोडा करॉक हुंडा टूसॉन और वी डब्ल्यू टी रॉक से चलिए कंपस फेस लिफ्ट के एक्सटीरियर्स देखते हैं आगे की तरफ आपको मिलते हैं री ऑटो हेडलैम्प्स विथ एल ई डी बट इसमें हेलोजिन की जगह एल दी गई है नीचे है एल ई डी फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन सराउंडेड बाय मैश डिजाइन पैटर्न दोनों फॉग लैम्प्स को कनेक्ट करता है ये थिक पियानो ब्लैक ट्रिम बम्पर पर नीचे है ब्लैक क्लैडिंग विद सिल्वर प्रोटेक्टिव स्क्रेड प्लेट और लार्ज एयर इनटेक ग्रिल ऊपर सेंटर में है टिपिकल सेवन स्लैट जीप ग्रिल सराउंडेड बाई क्रोम बट इस बार ग्रिल में कोई ओपनिंग्स नहीं दी गई है बोनट पर है क्रोम में जीप लोगो तो फ्रंट लुक को काफ़ी इंप्रूव किया गया है 2021 ट्वेंटी वन जी कंपस के और अभी एक और भी हैवी और प्रीमियम लगती है लिमिटेड ऑप्शन वेरियंट में आपको यह स्टाइलिश डायमंड कट एटीन इंच टोन ड्योल्टोनालाइज मिलते हैं व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग है इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी मिलते हैं विथ एल इंडिकेटर्स एंड पियानो ब्लैक फिनिश विंडोज़ के टॉप पर सिल्वर एल्यूमिनियम ट्रिम दिया है रूफ़ पर है ब्लैक रूफ रेल्स बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं साइड से फेसलिफ्ट में डोर सिल पर अभी भी ब्लैक क्लैडिंग है और कंपस अभी भी काफी टफ और रगेड एस लगती है साइड से डोर पर नीचे है यह कंपस बैजिंग इन ब्लैक पीछे मिलते हैं वही ओल्ड क्लियर लेंस स्मोक्ड एलई डी टे लैंप्स बूट पर नीचे राइट में है लिमिटेड वेरिएंट बैज और सेंटर में है जीप लोगो बम्पर पर नीचे है रेयर फॉगलाइट पार्किंग सेंसर्स लार्ज ब्लैक क्लैडिंग विथ हनी को मैच डिजाइन यहाँ नंबर प्लेट एरिया के ऊपर है रेयर पार्किंग कैमरा रेयर ग्लास पर है रेयर डिफॉगर वाइपर विथ वॉशर और हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प विथ स्पॉयलर रूफ पर है ब्लैक में शार्कफिन एंटीना और कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक रूफ जो लिमिटेड और अपर वेरियंट्स में ही मिलता है पीछे साइड में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं जीप कंपस फेसलिफ्ट में फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन के साथ ये क्रोम एक्सेंट जो रूफ से रेयर विंडशील्ड तक जाता है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है चलिए बूट स्पेस देखते हैं पावर्ड ओपनेबल टेलगेट मिलता है बट क्लोज मैनअली ही करना पड़ता है जीप कंपस में आपको फोर जीरो एट लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है साइड में है दो लाइट्स और स्टोरेज पॉकेट्स बूट में आपको टाइट डाउन पॉइंट्स और हुक्स भी मिलते हैं और रेड सीट्स को फोल्ड करके आप सेवन हंड्रेड लीटर्स का बूट स्पेस पा सकते हैं ऊपर है पार्सल शेल्फ ट्रे बूट में ये प्रीमियम सॉफ्ट फैब्रिक फ्लोरबोर्ड दिया है और बूट सेल और फ्लोरबोर्ड की हाइट सेम है तो बैग्स को स्लाइड करने में कोई परेशानी नहीं होगी तो ओवरऑल स्पेस और प्रैक्टिकलिटी वाइज डिसेंट है जीप कंपस की बूट यह है जीप कम्पस का टू लीटर टर्बो डीजल इंजन और इसका क्लेम्ड एवरेज है अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन पॉइंट थ्री किलोमीटर पर लीटर कंपस में आपको कीलेस एंट्री भी मिलती है चलिए अब इंटीरियर्स देखते हैं लिमिटेड वेरिएंट में आपको स्टील ग्रे कलर इंटीरियर्स मिलते हैं विद टैन ब्राउन इंसर्ट्स जो काफ़ी प्रीमियम लगता है ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है नीचे है सिल्वर डोर हैंडल सराउंडेड बाय है पैनो ब्लैक फिनिश नीचे है इलेक्ट्रिक मिरर और पावर विंडो स्विचेस। आमरेस पर टैन ब्राउन सॉफ्ट लेदर दिया है काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है नीचे है दो वन लीटर बॉटल का स्टोरेज स्पेस और डोर स्पीकर्स। डोर पर है जीप एल्यूमिनियम स्कफ़ प्लेट कंपस लिमिटेड वेरिएंट में आपको लेदर सीट्स मिलती है और ड्राइवर सीट एट वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है विथ टू मेमोरी ऑप्शन और यह है कंपस की स्टील ग्रे लेदर सीट्स विथ जीप बैच एम्बोस्ड यह है कंपस के प्रीमियम इंटीरियर्स चलिए बैठकर देखते हैं सीट्स तो काफी कंफर्टेबल है कंपस की कंपस में आपको ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विथ सेवन इंच एल डिस्प्ले जिसमें आप मल्टीमीडिया फोन मैसेजेस रेंज एवरेज ट्रिप मीटर आउटसाइड टेम्परेचर गेर शिफ्ट इंडिकेटर सर्विस एंड एनरज जैसे फीचर्स देख सकते हैं स्टेयरिंग के पीछे लेफ्ट में है लाइट कंट्रोल्स राइट साइड में है वाइपर कंट्रोल्स ये जीप कंपस का स्पोर्टी लेदर एप स्टेयरिंग व्हील विद सिल्वर फिनिशेज जो काफी प्रीमियम लगता है स्टेयरिंग पर लेफ्ट में है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वॉइस कंट्रोल बटन्स राइट साइड में डमी बटन्स दिए हैं स्टेरिंग के राइट में है स्लीक वेंट विथ क्रोम एक्सेंट नीचे है टैन ब्राउन लेदर ट्रिम और ब्रश्ड सिल्वर फिनिश यहां नीचे है हेडलाइट कंट्रोल्स फ्रंट एंड रेयर फॉगलैम स्विच हेडलैम्प लेवलर और इंटीरियर लाइटिंग एडजस्टमेंट नॉब इस फेसलिफ्ट स्विफ्ट कंपस के इंटीरियर्स को पूरी तरह रीडिजाइन किया गया है ऊपर दिया है ऑटो ड्रिमिंग डे नाइट मेदर पीछे है सनरूफ स्विच रीडिंग लैम्प्स और उनके बटन्स माइक भी दिया है फॉर वॉइस असिस्टेंट एंड कॉलिंग यह है कंपस का लार्ज पैनोरामिक सनरूफ ओवरऑल इंटीरियर क्वालिटी जबरदस्त है सभी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है यह नीचे प्लास्टिक है बट इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड फिट एंड फिनिश टॉप नॉच है ऊपर दोनों साइड सनवाइजर्स में वैनिटी मिरर्स मिलते हैं बट साइडली लाइट्स नहीं दी गई है कंपस में आपको यह टेन पॉइंट वन इंच का न्यू यू कनेट टच स्क्रीन इन्फोडेमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले यू एस बी ब्लूटूथ ऑग्स वॉइस असिस्टेंट और नेविगेशन कंपस में आपको सिक्स स्पीकर्स मिलते हैं विद अमेजिंग साउंड क्वालिटी काफ़ी सिंपल यूजर इंटरफेस मिलता है इसमें आपको और टच का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है ए को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं ग्राफिक्स भी शार्प है और काफ़ी बेटर है पिछले कंपस से यहाँ नीचे दिया है ऑटो इंजन ऑफ वैन आइडल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ पार्क असिस्ट और पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल बटन्स नीचे सेंटर में है एसी वेंट्स वैनस यहाँ पर है मीडिया कंट्रोल टच स्क्रीन ऑफ और ड्यूजोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बटनस बटंस की क्वालिटी काफी अच्छी है सॉफ्ट टच फील बटन्स दिए हैं नीचे है दो यूएसबी पोर्ट्स एक नॉर्मल टाइप ए और दूसरा टाइप सी यहाँ पर स्टोरेज स्पेस दिया है फोन वगैरह रखने के लिए पीछे है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक स्विच और यह है कंपस का सिक्स स्पीड मैनुअल लेदर एप्ट बॉक्स विथ सिल्वर फिनिश सेंटर कंसोल पर यह साइटिन सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश दिया है यहाँ पर है दो कप होल्डर स्पेस और कीज रखने की जगह उसके पीछे है ये लेदर सेंटर आमरेस्ट इसके नीचे भी अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस दिया है इसीलिए स्टोरेज स्पेस की आपको कंपस में बिल्कुल भी कमी नहीं लगेगी ग्लव बॉक्स आइज डिसेंट है डीप है, है बट विथ थोड़ा कम है इसका लाइट भी दी गई है इसमें यह सिल्वर फिनिश टैन ब्राउन लेदर ट्रिम विथ स्टिचिंग यहाँ पर ऊपर सॉफ्ट मटेरियल और ये क्रोम ट्रिम जो पूरे इंटीरियर के अक्रॉस रन करता है काफी प्रीमियम टच देता है 2021 ट्वेंटी वन जीप कंपस के इंटीरियर्स को यहाँ पर एक कीलेस इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मुझे तो इस कंपस के इंटीरियर्स बेस्ट इन क्लास लग रहे हैं फिलहाल चलिए पीछे देखते हैं रेड ओस कुछ इस तरीके के दिखते हैं पीछे भी स्टील ग्रे विद टैन ब्राउन लेदर ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है रेड ऑर्स पर हाई क्वालिटी सॉफ्ट टच प्लास्टिक दिया है नीचे है सिल्वर डोर हैंडल सराउंडेड बाय पियानो ब्लैक फिनिश आमलच पर है टैन ब्राउन लेदर पैडिंग नीचे है वन लीटर बॉटल स्टोरेज स्पेस और स्पीकर यह जीप कंपस की लेदर रेड सीट्स चलिए बैठ देखते हैं फ्रंट सीट के पीछे स्टोरेज पॉकेट्स दिए हैं है लेक्सपेस आपको काफी अच्छा मिलता है मेरी हाइट पांच फुट ग्यारह इंच है और फ्रंट सीट मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है रेयर एयरवेंस भी दिए गए हैं यहाँ पर सराउंडेड बाय पियानो ब्लैक फिनिश उसके नीचे है सिंगल यूएस चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर एकदम नीचे दिया गया है ओल्ड फैशन ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग पॉइंट सेंटर टनल हाइट ज्यादा नहीं है तो सेंटर पैसेंजर को ज्यादा परेशानी नहीं होगी लेग स्पेस में ऊपर साइड में है रीडिंग लैंप रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक गुड स्पेस स्टील ग्रे इंटीरियर्स और इस लार्ज पैनोरमिक सनरूफ की वजह से काफ़ी एयरी फील आती है कंपस में रेड एंड नाम भी दिया है इसके अंदर है दो कप होल्डर्स रेयर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है तो लॉन्ग जर्नी पर आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें आपको सिक्स एयरबैग्स ए बी ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक रोल ओवर मिटिगेशन हिल स्टार्ट रेन सेंसिंग वाइपर्स स्पीड अलर्ट सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं ओवरऑल कम्पस वेस लिफ्ट एक काफ़ी अच्छी कॉम्पैक्ट एस है इस प्राइस में हाँ जरूर ये कॉम्पिटिशन से थोड़ी महंगी है बट वर्थ इट है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कंपस् फेस लिफ्ट कैसी लगी और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए